हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल जयास फूड पैलेस। आज मैं आप लोगों के साथ हॉट कैपुचिनो कॉफ़ी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इसके लिए हमें एक कप, इस मेजरमेंट से एक कप कॉफ़ी पाउडर लिया है, इसी मेजरमेंट से एक कप पानी लेना है और इसी मेजरमेंट से एक कप शुगर लेना है, फ्रेश क्रीम भी लेना है, व्हिप्ड क्रीम अगर है तो, और दो कप हॉट मिल्क लेना है। अब हमें एक बाउल लेना है और एक कप कॉफ़ी पाउडर डालना है, इसी मेजरमेंट से हमें एक कप शुगर भी डालना है। और इसी मेजरमेंट से एक कप पानी डालना है। ये 1:1:1 रेशो है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमें इसे बीट करना है। हमें हैंड बीटर या फोर्क के मदद से बीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर के मदद से बीट करूँगी। फर्स्ट हमें स्लो स्पीड पर ही बीट करना है, बाद में स्लोली स्पीड इंक्रीज करना है। अब हमें इसे क्रीमी और फोमी होने तक बीट करना है। अभी लाइट हो रहा है और भी लाइट होना है अभी। अब आप देख सकते हैं ये लाइट हो रहा है, इसे और भी थोड़ी देर के लिए बीट करना है। ये स्टिफ पीक आने तक इसे बीट करना है। अब ये बन चुका है, आप देख सकते हैं कि पूरी लाइट कलर आ गया है और कितना क्रीमी और फोमी बन गया है। अब देखिए इसका स्टिफ पीक भी आ गया है। अब मैंने दो कॉफी मग लिया है और अब इसके अंदर मैं दो स्पून व्हिप्ड कॉफी डालूंगी। अगर आपका कप छोटा है तो आप एक स्पून डाल सकते हैं और इससे भी बड़ा है तो 3 स्पून भी डाल सकते हैं। अब हमें इसमें हॉट मिल्क पोर करना है। मैंने इसे माइक्रोवेव में हॉट गरम किया था, आप गैस पर भी गरम कर सकते हैं। अब हमें एक अच्छा सा स्टर देना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब थोड़ा क्रीम डाल के डेकोरेट करना है। अगर आपके पास क्रीम है तो डेकोरेट कीजिए, नहीं तो आप इसी स्टेज पर भी इसे पी सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा व्हिप्ड कॉफी डालूंगी। अब ये फ्रॉदी एंड क्रीमी और कैपुचिनो कॉफी पीने के लिए रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप भी एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए।
and thanks for watching my video.